29 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियां रवाना। डिम्पल यादव, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल, सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कश्मीर में सेना की तैनाती में कमी करके देशद्रोह कानून को बदलना चाहती है कांग्रेस, हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले। चीनी मिल बिक्री मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चीनी मिल बेचने का फैसला हमारा नहीं कैबिनेट का था और नियमानुसार की गई है इनकी बिक्री। और बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने के बाद देवा शरीफ में चढ़ाई चादर, मांगी जीत की दुआ, रोड शो करके मतदाताओं से वोट देने की अपील। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम खत्म हो गया। सभी दलों के शीर्ष नेताओं समेत पार्टी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चौथे चरण में कुल 8 राज्यों के 71 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चरण में करीब 12,79,00,000 मतदाता 945 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चौथे चरण में 7,49,00,000 पुरुष मतदाता हैं, लेकिन 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाता इस चरण में भी वोट डालेंगे। 71 सीटों में बिहार के 5, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 17, उड़ीसा में 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में 7 और झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश के सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और 17वीं लोकसभा का चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस कश्मीर से सेना की तैनाती में कमी और देशद्रोह जैसे कानून को बदलना चाहती है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की और कहा कि आपके वोट से देश मजबूत होगा। कमल के सामने बटन दबाएंगे तब भ्रष्टाचारी कांपने लग जाएंगे। आप जब कमल पे बटन दबाएंगे दुनिया में देश का जय जयकार बढ़ जाएगा। आप जब कमल पे बटन दबाएंगे तो देश मजबूत होने की गारंटी ले जाएगा। और आप जब कमल को वोट देंगे ना तब आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल सफाई देते हुए कहा कि मैंने कभी नरेंद्र मोदी को नीच नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सफलता से भाजपा बौखला गई है जिसके कारण कई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मायावती ने चुनाव के दौरान चीनी मिल बिक्री मामले का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीनी मिल बिक्री में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये कैबिनेट का फैसला था और ये स्थापित नियमों के तहत ही किया गया था। कन्नौज में जो ये कहा है कि मुझे पिछड़े वर्ग का होने की वजह से हमारे विरोधी लोग मुझे नीच समझते हैं और मुझे बहनती व अखिलेश ने भी नीच कहा है जो उन्होंने अपने भाषण में बोला। जो इनका यह आरोप काफी शरारतपूर्ण जबकि हमने इनको कभी भी नीच नहीं कहा है बल्कि इनको पूरे सम्मान के साथ पूरे आदर सम्मान के साथ बल्कि इनको पूरे आदर सम्मान के साथ हमने इनको ऊंची जाति का ही होने का बताया। तो भला फिर इसमें इनके लिए नीच कहने वाली बात कहां से आ गई। सर उत्तर प्रदेश में अब चीनी मिलों के विक्रय के विषय में भी सीबीआई द्वारा जांच के मामले को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बसपा शासनकाल में कौड़ियों के दाम बेची गई 21 चीनी मिलों में बरेली की नेकपुर चीनी मिल भी शामिल थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने पर नेकपुर चीनी मिल के कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद जगी है। कभी यहां हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते थे और उनके परिवार को रोजी रोटी का जरिया यही मिल थी।
कभी इस चीनी मिल को लक्ष्य से अधिक उत्पादन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन इसे घाटे में दिखाकर बसपा सरकार ने इसे औने पौने दामों में बेच दिया। योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था। एक बार जब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है तो लोगों को न्याय की आस बंधी है। बंद होने की तो वजह ऐसी ही रही है, एकदम बंद कर दी तुम साम लेबर के ताई पैसा दे दिया सबके लिए, पैसा दे के एकदम से माल सब काट दिया तुम साम। बस ये हुआ। पहले कम से कम 4-5 हज़ार आदमी को, 5-6 हज़ार आदमी, अब तो साहब कम से कम 4-5 आदमी हैं, 5-6 आदमी, 3 आदमी रात को हैं, 3 आदमी दिन को। करीब 100 रुपया महीना मिलता था तब से है। क्या वजह रही बंद होने की? और बंद होने के कारण इसमें 5 यूनियन था, यूनियन के नेता लोगों ने सब ऐसे करा है, पैसे सब मारे गए हम लोग का। अब इसमें क्या कहा जाए साहब, हम लोग को पैसा मिल जाता तो हम लोग अपना खाली करके अपने घर द्वार चले जाते। नहीं, उम्मीद तो है ये नहीं। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं छोटा सा विराम। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर। चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ डीडी यूपी पर रोजाना शाम 4 बजे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी सरकार में बेहतर हुई है, अब भारत कमजोर नहीं ताकतवर देश के रूप में स्थापित है, हमारे जवानों पर हमला करने वाले लोग पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। विपक्षियों के सवाल पर जवाब हमारी सेना ने दिया है। कांग्रेस सरकार राष्ट्रद्रोह को समाप्त करना चाहती है, जबकि हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, कुछ ही महीनों के बाद, कुछ साल के बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद हमारा भारत के जम को लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और मैं यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा और याद में कहकर जाता हूँ, यदि भारत ऐसे ही तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा तो अत्यंत दूर नहीं है 2030-2031 आते आते भारत रूस चाइना और अमेरिका में से एक देश को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 3 कंट्री में बैठे भाई जो आकर प्राप्त हो जाएगा। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भी राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विकास के लिए जनता से वोट मांगे। राजनाथ सिंह के खिलाफ गठबंधन से यहां पूनम सिन्हा उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रत्याशी हैं। राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव के घर जाकर उनका हालचाल भी जाना। मैं स्वयं उसकी अब जानकारी नहीं देना चाहता, आपको एहसास होगा और साथ ही दिवाकर जी ने भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। मेरा यह शौक है हमारा लखनऊ महानगर भारत का ही नहीं बल्कि एक विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बनना चाहिए और मैं इसी स्वप्न को साकार करने की दृष्टि से अभी तक लगा हुआ। आप जानते हैं कि सारी बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ होती हैं, तो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में पूरा होने में समय लगता है। अब जैसे 104 किलोमीटर की जो रिंग रोड बन रही है, कुछ काम वहां हो चुका है लगभग 22-23-24 किलोमीटर का, शेष का काम जो है तेजी के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बिना मांगे कांग्रेस को 10 साल तक समर्थन देती रही। केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में सपा बसपा का कुशासन प्रदेश की जनता ने समाप्त किया था। आतंकवादी भी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये कहने वालों को जनता ने नकार दिया है और उपेंद्र रावत को वोट देकर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या प्रदेश की सरकारें, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मीडिया ने पूछा सरकार कैसे कार्य करेगी, तो मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के लिए नहीं, भारत के गांव के लिए, भारत के गरीब के लिए, भारत के किसान के लिए, भारत के मजदूर के लिए, भारत के नौजवान के लिए, भारत की महिलाओं के लिए और भारत की 125 करोड़ जनता की उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेगी, उनके जीवन की खुशहाली के लिए कार्य करेगी। अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने अयोध्या में भाजपा नेता लल्लू सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं उनके पास न नेता है, न नेतृत्व है और न ही देश चलाने के लिए कोई विजन है। कई विरोधी आपस में इसलिए मिल गए हैं जो किसी तरह मोदी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ियां केवल स्वर्ग से बनकर नहीं आती हैं, कुछ जोड़ियां मोदी के डर से भी बनती हैं। एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने के पीछे अपनी सारी ऊर्जा लगाने का काम कर रहे हैं। आज इन तमाम दलों का देश के लिए कोई सपना नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। देश में ये क्या करना चाहते हैं इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इनका सिर्फ एक ही उद्घोष है, मोदी विरोध। और इनकी सारी बहस का सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी आज तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक राष्ट्रीय बेचैनी बन चुके हैं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कौशाम्बी में भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए भाजपा नेता राजवीर सिंह ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उन्होंने गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि जितने लोग इनकी जनसभा में उपस्थित होते हैं उतने लोग हमारी नुक्कड़ सभाओं में आ रहे हैं, ये देश को बचाने का चुनाव है। उन्होंने निषाद परिवार से अपने रिश्तों को गहरा करते हुए कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और हम आपसे भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए हैं। ऐसी तो हमारी नुक्कड़ सभा, कितनी भीड़ उनकी रैली में नहीं आ रही है। और अभी हमारे सोनकर जी कह रहे थे वो वोट मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं एमपी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, ईश्वर ने चाही तो मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा। मित्रों, ये चुनाव किसी को एमपी बनाने का और बिगाड़ने का नहीं, ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने का बिगाड़ने का भी नहीं है। सही माने में ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव। समाचार अभी और भी हैं, मिलते हैं एक विराम के बाद। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। राहुल गांधी ने आज जहां अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनसभा को संबोधित किया वहीं अपनी मां के क्षेत्र रायबरेली में भी मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। मैं न्याय योजना लेकर आया हूं जो हर गरीब को 72,000 रूपये साल में देगी। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 22 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी दी जाएगी। वहीं 10 लाख युवाओं को पंचायत में नौकरी देने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कराए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इस चुनाव में मेन बात यह है कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं,
मगर जो उन्होंने वायदे किए 15 लाख रुपए देने की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों को सही दाम देने की बात, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं, सर आपने मुझे खत्म करने दी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे। और देश समझना चाहता है कि चौकीदार जी ने जो वायदे किए थे, बेरोजगारी की बात, किसानों को सही दाम, 15 लाख की बात, देश सुनना चाहता है कि 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने ये काम क्यों नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कल बाराबंकी में कांग्रेस के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए और भाजपा सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी के यूपी बोर्ड के शिवम कुमार और तनुज विश्वकर्मा को टॉपर बनने की बधाई भी दी। प्रियंका गांधी ने जनसभा के बाद हाजी वारिस अली की मजार पर चादर चढ़ाकर कांग्रेस की जीत की दुआ मांगी। कांग्रेस महासचिव ने तनुज पुनिया के पक्ष में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों किनारे पर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तमाम दुखों और मुसीबतों से उन पर बोझ लगा हुआ है और सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। इसी तरह से जब मैं नौजवानों से मिलती हूँ तो नौजवान मुझे बताते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, सरकार ने पिछले 5 सालों में उनके लिए कोई रोजगार नहीं बनाया, किसानों के लिए पैसे नहीं है, आपकी समस्याओं को हल करने का समय नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरा करने का समय नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों, बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपतियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा समय है। उनका नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने बाराबंकी का नाम रोशन किया, शिवम कुमार जो द्वितीय स्थान पे आए और तनुजा विश्वकर्मा जो तृतीय स्थान पे आई, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सांगीपुर के अटेहा बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह के पक्ष में जनसभा कर मतदाताओं से उन्हें जिताने की अपील की। चीनी मिल मामले में सीबीआई द्वारा मुकदमा लिखाए जाने पर उन्होंने समय को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेठी का भाग्य फिर चमकने वाला है, राहुल गांधी देश की सत्ता संभालेंगे। अब आयोग को चाहिए संज्ञान ले, सेना का नाम कभी चुनाव में नहीं लेना चाहिए। 2 बार का आयोग कह चुका है कि प्रधानमंत्री सेना का नाम लेने से बचे, लेकिन उन्हें भी इस गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं। उस दिन वोट डालकर आज तक किसी ने उनको जीत पर घूमते नहीं देखा, लेकिन गुजरात में वोट डालने के बाद जीत पर घूमते, तो वो उनका डर बयान करता है। उनका ऐसा, उनको तो मालूम तमाम उनके पास एजेंसीज हैं, उन्होंने बता दिया कि 138-140 सीट से ज़्यादा नहीं आ गई, तो इसलिए उनको मालूम है कि उनका जाना था। सीबीआई ने जांच की, जांच के बाद FIR लिखाई है। इसकी टाइमिंग मेरे समझ में नहीं आई कि जब चुनाव का परिणाम आना उसके 1 महीने कहीं ना कहीं राजनीति स्टैंड 1 महीने पहले ये किया गया, तो क्या बात के लिए रुका हुआ था या क्या बात है भविष्य के लिए ये सीबीआई किया गया है तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं से इसकी टाइमिंग पर बड़ा सवाल है। सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भगवती प्रसाद चौधरी के खिलाफ प्रशासन आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी द्वारा वोट के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं प्रत्याशी का कहना है कि दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं को पानी और भोजन उपलब्ध करवाना अपराध नहीं है। देखिए, ये चुनाव खर्चा में दिखाया जाएगा, उसमें कोई ये बात नहीं है। पानी पिलाना और यहाँ पे किसी को भूखू नहीं मारा जा सकता, अगर ये है तो उसको चुनाव खर्च में दिखाया जाएगा उसको। अभी SDM अधिकारी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो खंडन कर रहा हूँ ना कि मेरे तरफ से तो नहीं हुआ है। जैसा कि सूचना मिलने पर यहाँ पर आया तो ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक सभा करके नामांकन की कार्यवाही की जानी थी, परंतु यहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा था। उनसे जानने पर इन लोगों ने बताया कि
कार्यकर्ताओं के लिए था, लेकिन दिख रहा है कि इसके बारे में कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इस संबंध में प्रारंभिक तहरीर की जा रही है, कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाएगी। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं छोटा सा विराम। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार। देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। अलीगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी के तहत धनीपुर हवाई पट्टी से लखनऊ के लिए जल्द ही उड़ान शुरू होने वाली है, जिससे लखनऊ का सफर 50 मिनट में तय होगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निजी कंपनी टर्बो एविएशन से करार किया है। पहले चरण में 20 सीटर प्लेन उड़ान भरेंगे, संख्या बढ़ने पर इसके फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अलीगढ़ से लखनऊ तक का किराया 2500 रुपये रखा गया है। लोगों का कहना है कि इस सुविधा के शुरू हो जाने से समय की बहुत बचत होगी। हवाई पट्टी से सिविल फ्लाइट शुरू करने की योजना है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, और इसके तहत टर्बो कंपनी को सिविल एविएशन के माध्यम से इनके साथ प्रक्रिया उड़ान के लिए चल रही है, जिसमें इनके द्वारा 20 सीटर प्लेन को यहां से लखनऊ के लिए उड़ाया जाएगा। लखनऊ में होने वाले 6 मई के चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोहिया पार्क में मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी सुबह आकर इन लोगों से अधिक संख्या में निकलकर वोट देने की अपील की। मतदाताओं को वोट के महत्व के बारे में भी समझाया कि आपका वोट देश में बनने वाली सरकार के लिए और आपके जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। का ये प्रोग्राम हम लोगों ने सुबह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का रखा है, जिसमें जो लोग यहाँ आएंगे उनको एक शपथ के द्वारा ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो आगे आने वाली जो 6 मई है लखनऊ में मतदान की तिथि, उस दिन वो अपना मतदान देंगे अपने पोलिंग बूथ पर जाकर। तो शपथ के द्वारा हम इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। लोगों को हम पंपलेट दे रहे हैं, कुछ स्लोगन हम लोगों ने दिए हैं, बच्चों को बुलाया हुआ है, बच्चे उन स्लोगन्स को लेके खड़े हुए हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी उनकी जागरूकता के बारे में भी पता कर रहे हैं कि वो मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है मतदान तो बहुत लोग कर लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरी है। तो एक एक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से हम लोगों को अभी जैसा लग रहा है सुबह से कि काफ़ी लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं कि हाँ जागरूकता से कम फ़ायदा ये होगा कि लोग एक तरीके से मतदान के प्रति जो उनकी ड्यूटी है उसको वो समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतदान करेंगे। देखिए लोकतंत्र के लिए मतदान करना बहुत ही आवश्यक है, और स्पेशली ये देखा गया है कि जो बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, यहाँ की जनता घर से निकलना नहीं चाहती है। अमूमन मतदान प्रतिशत और शहरों के मुकाबले बहुत कम है। आप बांदा देखिए, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ललितपुर देखिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है लखनऊ जैसे शहरों के लिए जहाँ लोग अपने कम्फर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि निकले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में मतदान करें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों तथा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मतदान स्थल की सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा और समय से जमा करने के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी वोटर से दुर्व्यवहार न किया जाए, बंदूक का भय न दिखाया जाए तथा दिव्यांग वोटर की सहायता की जाए। गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था साथ में रखें। या सुरक्षा की व्यवस्था हो, सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। इस बार हम लोगों ने एक और बेहतर करने का प्रयास किया है कि गर्मी काफ़ी चूंकि बढ़ चुकी है, इसलिए हम जहां पर छाया नहीं है वहां पर हम छाया की व्यवस्था भी कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था भी वहां से करा रहे हैं।
मतदाताओं से व्यवहार की बात मैंने की थी कि मतदाता मतदान करने आ रहा है तो उसको लगे कि हाँ ये हमारे मित्र हैं, उनके अंदर डर है वोटी देख के न पैदा हो, इसलिए मैंने बात की। ये जनपद इटावा में 29 अप्रैल को जो चौथे चरण का मतदान होना है, आज जो फोर्स की ब्रीफिंग है उसी के संदर्भ में यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और आज जो फोर्स को ब्रीफ भी किया गया और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख के चुनाव के लिए जनपद इटावा में पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरा जो एरिया है उस एरिया को तुम्हारे 104 सेक्टर्स पुलिस सेक्टर्स में और 61 क्लस्टर्स में इसमें बांटा गया है और साथ ही साथ हमारे 5 बॉर्डर के जो मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे भी उसको सील करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। इन 5 स्थानों पे सीसीटीवी कैमरास के साथ साथ बैरियर लगे हुए हैं, नाकास बनाए गए हैं, पूरे जनपद में 40 बैरियर और 40 पिकेट की वो बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो फोर्स है उस फोर्स को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करके इन सभी को डू एंड डू नॉट से ब्रीफ करा दिया गया है और आपके माध्यम से मैं ये इंश्योर कराता हूँ कि जिस तरीके से जनपद इटावा में 23 अप्रैल को तीसरे चरण में जो मतदान कराया गया उसी तरीके से चौथे चरण में 29 तारीख को भी सकुशल चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अक्टूबर में ग्रीस में होने वाली मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 में भाग लेने वाली 28 देशों की 180 प्रवासी और अप्रवासी भारतीय सुंदरियों ने 3 दिवसीय आगरा दौरा किया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली 180 सुंदरियों को जानी मानी हस्तियां ग्रूमिंग की ट्रेनिंग दे रही हैं। इन महिलाओं ने ताजमहल के साये में मेहताब बाग के पास मनमोहक अदाओं के साथ फोटो खिंचवाए। ये सेशन एक ब्यूटीफुल वुमन को और भी ज़्यादा उनकी ब्यूटी एनहांस और स्कल्पचर करने के लिए किया गया है। आई एम वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ हॉटमन मिसेज इंडिया 2019। हमारे फिनाले हैं वो अक्टूबर में होंगे, फ्रॉम लाइक 10th टू 20th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ आगरा हम लोग इसलिए आए हैं जिससे हम ग्रूमिंग सेशंस, ओरिएंटेशन सेशंस हैं जो हमारे लिए ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं और हमें और ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू स्पीक उसको एनहांस करने के लिए हमारे सेशंस हो रहे हैं जो कि मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल हैं। हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। वी आर लाइक 172 लेडीज हियर और सभी बहुत ही अच्छे और बेस्ट हैं अपने अपने एरियाज में एंड आई विश ऑल ऑफ देम एंड मी ऑल द लव एंड लक फॉर दिस ब्यूटिफुल पेजेंट। इस कॉम्पिटिशन से जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है वो बहुत ही खुशनसीबी से मिलता है क्योंकि हर किसी को ये प्लेटफॉर्म एक शादीशुदा जिंदगी के बाद नहीं मिलता है और यही प्रूव करने के लिए हम सब यहाँ पे एक पहचान बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरा ये मकसद है कि शायद इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी की लाइफ में कोई जिंदगी में कोई सुधार ला सकूँ, कोई डिफरेंस कर सकूँ। तो अगर मैं उस मुकाम पे पहुँच पाए कि जहाँ पर मैं किसी की जिंदगी में कोई सुधार ला पाऊँ या किसी सोशल कॉज के लिए कुछ कर पाऊँ तो मैं वो जरूर करना चाहूंगी। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उनतीस अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां रवाना। डिम्पल यादव, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल, सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज जी के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कश्मीर में सेना की तैनाती में कमी करके देशद्रोह कानून को बदलना चाहती है कांग्रेस, हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले। चीनी मिल बिक्री मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चीनी मिल बेचने का फैसला हमारा नहीं कैबिनेट का था और नियमानुसार की गई है इनकी बिक्री। बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने के बाद देवा शरीफ में चढ़ाई चादर, मांगी जीत की दुआ, रोड शो करके मतदाताओं से वोट देने की अपील। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।